हाँ बेटा, नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा, हमने इस बात को देखा कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसमें एक लिमिट से ज़्यादा मैग्निफिकेशन नहीं बढ़ा सकते थे। जैसे याद करो कि मिनिमम मैग्निफिकेशन अगर 5 थी तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 6 थी, मिनिमम मैग्निफिकेशन अगर 10 थी तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तो 11 थी। अब हो सकता है कि बेटा कोई ऑब्जेक्ट और छोटी हो तो उसको देखने के लिए बेटा हमें मैग्निफिकेशन और ज़्यादा चाहिए होगा। और ज़्यादा चाहिए होगा बेटा, उसके लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड नथिंग मोर देन दैट। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि बेटा जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं कि एक लेंस यहाँ पड़ा है, दूसरा लेंस यहाँ पड़ा है, पहले लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी बेटा पहले लेंस के लिए जो इमेज है वो अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट एंड समथिंग लाइक दैट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, हमने इस तरह के बड़ा सवाल कर रखे हैं। हाँ, वो अलग बात है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भले ही हेडिंग हमने पहली बार लिखी हो, बट वी हैड डन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इक्वेशंस लाइक दैट। फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बड़ा बातें सुनिए, सबसे पहली बात, इट इज कॉम्बिनेशन of two convex lenses and the convex lenses should have small focal length. बड़ा दोनों की focal length जो है वो कम ही रहनी चाहिए, बड़ा बहुत ज़्यादा focal length नहीं रहनी चाहिए। कारण बड़ा धीरे धीरे पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दोनों कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेटा और स्मॉल फोकल लेंथ। कैसे बेटा काम करते हैं देखते हैं। सबसे पहले बेटा दो लेंस लीजिए, एक बेटा ऑब्जेक्ट के नज़दीक, जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक होगी बेटा उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, और बेटा मैं उसकी फोकल लेंथ जो है उसको बेटा एफ ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, सेम प्रिंसिपल एक्सिस पर L डिस्टेंस दूर बड़ा हमारे पास एक दूसरा लेंस आएगा, एक मिनट बड़ा, एक दूसरा लेंस आएगा जो बड़ा हमारी आई के नजदीक होगा, बड़ा उसके फोकल लेंथ को मैंने एफ ई लिख दिया है। बड़ा जानबूझ के मैंने ऐसे दिखाया है कि इसका अपर्चर छोटा और इसका अपर्चर बड़ा। अपर्चर मतलब वो एरिया बड़ा जो रिफ्लेक्शन में काम आएगा, तो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा कम रहेगा और आई पीस का अपर्चर ज़्यादा रहेगा। ये जो आई के नज़दीक है इसे हम नाम देंगे बड़ा, दैट इज आई पीस। हालांकि बड़ा एक नाम इसका और है, दैट इज ऑक्युलर। हम बड़ा मोस्टली आई पीस शब्द ही ज़्यादा यूज करेंगे। आई पीस का बड़ा अर्थ आप समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल आई के पास में है, बड़ा आई जो है वो जस्ट इसके पास में। फिर ना इन दोनों लेंसेस के बीच का जो सेपरेशन है बड़ा उसे हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड कैपिटल एल इज आल्सो नोन एज बड़ा लेंथ ऑफ ट्यूब। बड़ा ट्यूब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बड़ा माइक्रोस्कोप के अंदर ना दोनों लेंसेज जो होते हैं वो ट्यूब के अंदर होते हैं इस तरह से, और उस ट्यूब के बड़ा लेंथ को मैं से कम ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ा हम इसे लेंथ ऑफ ट्यूब कह देते हैं। ठीक, ये बड़ा ऑब्जेक्टिव, बड़ा आपको आईपीस नाम, बड़ा ऑब्जेक्टिव और आईपीस कैसे बड़े पता लग गए। मैं बड़ा इस फिर से इस बात को बोलूंगा, दो बातें बोलूंगा। पहली बात, बड़ा ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस विल हैव स्मॉलर अपर्चर एंड फोकल लेंथ। As compared to eyepiece, बड़ा eyepiece के मुकाबले हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के पास फोकल लेंथ भी कम होगी और अपर्चर भी कम होगा। चलिए बेटा, कहानी क्या है बड़ा देखते हैं, क्या पूरी कहानी है पूरा बनाने की कोशिश करते हैं। जो पहले वाला ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे बड़ा थोड़ी दूर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। बेटा मैं सारे के सारे थ्योरी बिल्कुल बढ़िया से बता रहा हूँ, पूरी बता रहा हूँ। मैं ना इस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूले ना भी याद हो ना तब भी आपका बढ़िया से काम चल जाए।
ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो मुझे भी इतने ज़्यादा याद नहीं रहते, तो मैं तो लॉजिक्स पर ही ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता कि पता कभी ना एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन आ गया, तो एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन तो फॉर्मूला से नहीं होगा, वो तो लॉजिक से होगा। तो बड़ा अपन तो है ना लॉजिक के हिसाब से ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सुनना बेटा, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखी है बेटा, ये ए बी, इसकी हाइट बेटा एच, और मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है कि बेटा ये जो तेरा माइनस एफ नोट और जो बेटा तेरा माइनस टू एफ नोट है ना, इन दोनों के बीच में कहीं रखा है, जितना एफ नोट के नज़दीक हो उतना बढ़िया। बेटा याद करो, जब भी ऑब्जेक्ट बेटा जी एफ और टू एफ के बीच में हुआ करती थी, तो बेटा इमेज इस तरफ बना करती थी, लार्जर इन्वर्टेड एंड रियल ऐसे बना करती थी। आपको बेटा मेरे ख्याल से याद आ भी गया होगा इस तरह से ना। तो इस ऑब्जेक्ट की बेटा रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, एंड इमेज विल बी समथिंग लाइक दिस। ले बेटा, दिस विल बी द इमेज बेटा, दिस इज योर बी डैश बेटा, दिस विल बी योर ए डैश। फेयर एनफ। अब ये जो बेटा तेरी बी डैश ए डैश है, ये रेज बेटा यू आई, अच्छी बात है, सारी बातें बढ़िया है। इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बेटा, मैंने यहां से ऑब्जेक्टिव से यू ओ लिख लिया है, और डिस्टेंस बेटा कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। और इस इमेज की बेटा मैंने डिस्टेंस यहां से ऑब्जेक्टिव से बेटा मैंने वी ओ लिख लिया है। यू ओ से बेटा वी ओ हमें निकालना आता है, कोई दिक्कत नहीं है निकाल लेंगे। दिस इज योर रिफ्रेक्टेड रे, दिस इज योर रिफ्रेक्टेड रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रेक्टेड रेज इज नोन एज योर ऑब्जेक्ट, सॉरी इज नोन एज योर इमेज। सो ए डैश बी डैश इज ऑफकोर्स इमेज फॉर दिस लेंस ऑब्जेक्टिव, बट इस ए डैश बी डैश से निकली हुई जो रेज है बेटा, हमारे इस आई पीस पे गिर रही है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज इज नोन एज योर ऑब्जेक्ट। सो इट मीन्स दैट ए डैश बी डैश इज एक्टिंग लाइक एन इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव, एंड इज एक्टिंग लाइक ऑब्जेक्ट फॉर योर आई पीस। इट्स गुड गुड। तो आप कह सकते हो बेटा कि आपका जो ए डैश बी डैश है, इट इज इमेज फॉर कौन बेटा, इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड इट इज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस बेटा, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है। चलिए बेटा अच्छी बात है। इसके बाद बेटा फाइनली क्या हुआ कि रेज जो है बेटा फिर से रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे ऐसे बेटा फिर से रिफ्लेक्ट हुई, और कुल मिलाकर बेटा फाइनली जो रे है, ये जो रिफ्रेक्टेड रेज है बेटा, कहीं ना कहीं जाकर बेटा मीट कर रही है, लेट से बेटा यहाँ कहीं मीट कर रही है, और ये बेटा मेरे पास आ गया है बी डबल डैश ए डबल डैश। मान लीजिए कि बेटा इस बी डबल डैश ए डबल डैश ने हमारी आंखों पर जो एंगल सबस्टेंड किया है बेटा, जो आंखों पर एंगल सबस्टेंड किया है, लेट्स से बेटा दिस एंगल इज थीटा बेटा, लेट्स दिस एंगल इज थीटा। एज यू नो इट वेरी वेल कि बेटा हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन कैसे डिफाइन किया था, हमने मैग्नीफिकेशन ऐसे डिफाइन किया था कि अगर ये नेकेड आई है, और ये अगर ऑब्जेक्ट एच है, और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर रख दूँ, तो ये हमारी आंखों पर कोई ना कोई एंगल सबस्टेंड करेगी, दैट एंगल सबस्टेंडेड इज थीटा नॉट। और इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के बाद मेरे पास जो एंगल सबस्टेंडेड है वो है थीटा, तो मैग्निफिकेशन बड़ा बड़े आराम से मैं बोल सकता हूं कि थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा कब है बेटा, ये पूरा का पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद विजुअल एंगल कितना है वो, और बेटा थीटा नॉट क्या है कि मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज ना करूं तो कितना है बेटा, दिस इज योर मैग्निफिकेशन। निकालते हैं बेटा मैग्निफिकेशन, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बड़े आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, करते हैं बेटा। मैं यहाँ पर एक बात और बोलूँगा बेटा, आप चाहो तो माइनस भी लगा सकते हो, माइनस में कोई इशू नहीं है, इसलिए क्योंकि बेटा आपके जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो ऊपर और इमेज आपकी नीचे है, तो फाइनल जो इमेज है बेटा वो आपकी वर्चुअल बन रही है, बट इन्वर्टेड बन रही है बेटा। बेटा कैसे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बात और बोलूँगा यार, है ना बेटा, लिख लेना फाइनल इमेज is virtual enlarged
एंड इन्वर्टेड, बड़ा वर्चुअल है एंड लास्ट है इन्वर्टेड, बड़ा फाइनल में जाती है ऐसी। और एक इंपॉर्टेंट बात वो बड़ा ये है कि हमारा ये जो आईपीस है, बड़ा हमारा जो आईपीस है ना, इसका बिहेवियर बाय इफेक्ट है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे मैग्नीफायर का था, सिंपल माइक्रोस्कोप का था। भाई सिंपल माइक्रोस्कोप में और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अंतर तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का पड़ा है। इस ऑब्जेक्टिव ने उस ऑब्जेक्ट की हाइट को दुगना तिगना कुछ कर दिया होगा। फिर बेटा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल वैसे के वैसे बिहेव कर रहा है जैसे हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप था। तो आप एक बात और बोल सकते हो कि इन इफेक्ट आईपीस इज एक्टिंग लाइक मैग्नीफायर या बड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप, कोई दिक्कत नहीं है, निपटा लेंगे बस अच्छा होगा। ठीक है आगे चलते हैं बेटा, हम इसमें दो केस देखते हैं अगेन बेटा, वही दोनों केसेस जो बड़ा हमने पहले देखे थे बेटा। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा तो क्या होगा, बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालना होगा तो क्या होगा। तो चलिए बेटा देखते हैं। नेक्स्ट बेटा पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट देखते हैं जिसमें बेटा हमारी जो आईज हैं वो सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड होती हैं, हमारी आंखों पर स्ट्रेस सबसे कम पड़ता है, पहले उस केस को देखते हैं। और अगेन बेटा आप जानते हैं इस बात को कि ना मेरे पास कोई बहुत बड़े कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं है बेटा, हम तो बिल्कुल लॉजिक वॉजिक से ही सब कुछ कर ही लेंगे, है ना। चलिए बेटा, हाँ बेटा पहले बेटा हेडिंग लिखिए, पहले है नॉर्मल एडजस्टमेंट। एज यू रिमेंबर दैट इन नॉर्मल एडजस्टमेंट आवर आईज आर मोस्ट रिलैक्स्ड, ठीक है ना। क्या कहानी है सुनिएगा बड़ा, आपके पास ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी बड़ा फोकल लेंथ एफ, ये बड़ा आपका आईपीस, आईपीस का अपर्चर बड़ा बड़ा रखना है बड़ा, आईपीस का अपर्चर बड़ा बड़ा रखना है वो इसलिए क्योंकि जो रेज रिफ्रैक्ट हो रही है बड़ा वो यूं यूं जा रही है, दूर दूर जा रही है, तो अगर मैंने इसका अपर्चर अगर कम रखा तो बहुत सारे रिफ्रैक्टेड रेज बड़ा यूं बाहर निकल जाएंगी, है ना। तो इस आईपीस का अपर्चर मतलब जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज बड़ा इस लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी और रेज तो यूं निकल जाएंगी, और अगर रेज यूं निकल जाएंगे तो फिर आपकी इमेज उतनी बढ़िया नहीं बनेगी। तो बड़ा इमेज बढ़िया से बने इसलिए आईपीस का अपर्चर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा आपका आईपीस। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है बड़ा मैं उसको कैपिटल एल लिख रहा हूँ, कैपिटल एल इज ऑफ कोर्स बड़ा सेपरेशन बिटवीन द लेंसेस। ये बड़ा आपके पास ऑब्जेक्ट है बड़ा, इस ऑब्जेक्ट को बड़ा मैंने ए बी कह दिया, इसकी हाइट बड़ा मैंने एच कह दिया, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बड़ा मैंने ऐसे लिख दी है, इस डिस्टेंस को बड़ा मैंने यू ओ लिख दिया है, यू ओ मतलब बड़ा ऑब्जेक्टिव से डिस्टेंस। बड़ा रेज आई ऐसे बड़ा मैंने जानबूझ के इस ऑब्जेक्ट को कहाँ से कहाँ तक रखा है, माइनस एफ नॉट से टू एफ नॉट के बीच में, जिससे ये जो इमेज है बड़ा वो ऐसे बनाए, इमेज जो बड़ा वो ऐसे बनाए, रियल बनाए एनलार्ज बनाए और इन्वर्टेड बनाए। इमेज कहाँ बनेगी बड़ा आप बोलोगे सर, इमेज बनेगी यहां से वी ओ डिस्टेंस पे। बड़ा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता हो और लेंस से इमेज की डिस्टेंस निकाल लो, ऑफ कोर्स वी नो हाउ टू टैकल दिस। बड़ा रेज आ रही है इस तरफ, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस, आप कह सकते हो कि वन बाई वी बड़ा सीधा लिख दो वी नॉट माइनस बड़ा वन अपॉन यू। बड़ा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू नॉट है, मगर बड़ा आप जानते हो यू जो होता है वो तो कोऑर्डिनेट होता है, बड़ा कोऑर्डिनेट के लिए माइनस यू नॉट लिखना पड़ेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट, बड़ा वन बाई वी माइनस वन अपॉन यू, यू इज द कोऑर्डिनेट, यू नॉट थोड़ा डिस्टेंस है तो माइनस यू नॉट लिख दो, दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ नॉट। बड़ा मेरे पास आ गया वन अपॉन वी नॉट इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ नॉट माइनस वन अपॉन यू नॉट। बड़ा मेरे पास वी नॉट की वैल्यू आ गई है, दैट इज एफ नॉट यू नॉट अपॉन बेटा यू नॉट माइनस एफ नॉट। अच्छा बेटा याद रहे तो अच्छी बात है, ना याद रहे बेटा तब भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, हम खुद ही निकाल लेंगे।
दिस वी नॉट इज बेटा बेसिकली एफ नॉट यू नॉट अपॉन बेटा क्या यू नॉट माइनस एफ नॉट। अच्छी बात बेटा। अब इसके बाद क्या, इसके बाद बेटा हम चाहते हैं कि है ना हमारी आईज रिलैक्स स्टेट में रहे। इस आई पीस के जस्ट इधर बेटा अपनी आई होगी। अच्छी बात बेटा, इस आई पीस के जस्ट इधर अपनी आई होगी और हम चाहते हैं कि बेटा हमारी आई जो है उसको इमेज बेटा कहाँ नजर आए, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे कैसे नजर आ सकती है, ध्यान देना, ये लेंस है। इस लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट, इस लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट एफ ई डिस्टेंस पे हुआ, अगर ऑब्जेक्ट एफ ई, एफ ई मतलब बेटा इस आई पीस की फोकल लेंथ, अगर एफ ई डिस्टेंस पे हुआ तो बेटा ऐसे केस में रेज जो होंगी वो रिफ्रैक्ट होंगी, ऐसे रिफ्रैक्ट होंगी ऐसे और पैरेलल हो जाएंगी। और बेटा पैरेलल हो जाएंगी तो आप जानते हैं कि बेटा इमेज कहाँ बनेगा। आप लोग हाँ सर बिल्कुल जानते हैं, इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी। बेटा कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। मैं बेटा यहां से एक लाइन खींच दूं, एट इन्फिनिटी दिस एंगल विल बी योर थीटा। बेटा दिस एंगल विल बी योर थीटा, आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा बेटा ये आपका एंगल थीटा। अब मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन करेंगे, आप बोलोगे सर मैग्निफिकेशन। बेटा मैं अब मैग्निफिकेशन दो स्टाइल्स निकाल रहा हूं, एक ही आंसर निकालूंगा लेकिन आपको समझाने के लिए दो स्टाइल्स निकालूंगा। हो सकता है बेटा कोई अच्छा बच्चा उसको पसंद आए दो तरीके, थोड़ा मैं दो तरीके से निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। बेटा मैग्निफिकेशन इज थीटा अपॉन थीटा नॉट। थीटा नोट में तो मेरे बच्चों को दिक्कत ही नहीं है, थीटा नोट में तो मेरे बच्चे लिखेंगे कि सर आपने सिखा रखा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारी नेकेड आई के सामने पड़ी है और कितनी डिस्टेंस पर पड़ी बेटा, कैपिटल डी डिस्टेंस पे पड़ी है और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रखा है बेटा, कितना थीटा नोट। तो आप बोलो सर थीटा नोट इज सिंपली एच अपॉन डी। अब रही बात थीटा की, थीटा हमारी आंखों पर एंगल सब्सटेंट इस ए डैश बी डैश ने जितना किया है या फिर बेटा ये जो इन्फिनिटी पर इमेज इसने किया बेटा वो तो एंगल दोनों सेम है। ये वाला एंगल बेटा इस, मैं इसको लिख दूं, दिस इज ए डबल डैश बी डबल डैश। भले ही ए डबल डैश बी डबल डैश बेटा इन्फिनिटी पर हो, इस ए डबल डैश बी डबल डैश ने हमारी आंखों पर जो एंगल सब्सटेंट किया है और ये ए डैश बी डैश ने जो एंगल सब्सटेंट किया एंगल तो सेम आएगा। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि मैं इस थीटा को लिख सकता हूं, प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूं, थीटा को लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई। ओहो प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूं, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई। लेकिन सर ये ए डैश बी डैश की जो हाइट है, चलो इसको एक बार के लिए एच डैश मान लेते हैं, सर इस एच डैश को कैसे लिखोगे, सर इस एच डैश को कैसे लिखोगे। बेटा एच डैश को भी लिखूंगा, एच डैश को ऐसे लिखूंगा कि बेटा इसके लिए ऑब्जेक्ट की हाइट पता है और इमेज की हाइट पता करनी है। को बेटा फॉर्मूला वॉर्मूला है क्या, अब लोग हाँ सर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेटा मेरे ख्याल से लेंस वाले केस में मेरे बच्चों को शायद याद होगा कि बेटा फॉर्मूला था वी बाई यू। वी की वैल्यू तो है वी नॉट, यू की बेटा वैल्यू यू नॉट नहीं बेटा माइनस यू नॉट। बेटा मैंने V नॉट अपॉन U नॉट किया तो मेरे पास ये आ गया F नॉट अपॉन बेटा F नॉट माइनस U नॉट एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा दैट कम्स आउट टू बी एच डैश अपॉन एच, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा नेगेटिव आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नेगेटिव तो सिर्फ क्या बता रहा है उल्टा, हम आखिर में नेगेटिव को हटा भी सकते हैं। तो आप कहोगे सर इससे मेरे पास h डैश की वैल्यू आ गई है और बेटा कितनी वैल्यू आ गई है, एफ नॉट अपॉन एफ नॉट माइनस यू नॉट इन टू एच। ले बेटा हमारा विजुअल एंगल क्या है, बेटा विजुअल एंगल है h डैश अपॉन एफ ई। बेटा h डैश की वैल्यू आ गई है एफ नॉट इन टू एच अपॉन एफ नॉट माइनस यू नॉट बेटा ये तो h डैश डिवाइड बाई एफ ई। और बेटा
हमें तो मैग्नीफिकेशन निकालना था, बड़ा मैग्नीफिकेशन होगा थीटा अपॉन थीटा नॉट, बड़ा देखते रहो मैंने क्या किया, इस एच डैश को उठा के यहाँ रख दिया, इसे थीटा के एस थीटा को मैं यहाँ रख दूंगा, इस थीटा को बड़ा यहाँ पर रखते बड़ा ऊपर मेरे ख्याल से आ गया है एफ नॉट एच अपॉन बड़ा क्या एफ नॉट सॉरी सॉरी बेटा एफ नॉट माइनस यू नॉट इंटू एफ। ओ बेटा जी तेरा ये एच से बेटा एच कैंसिल, देखना बेटा तेरे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, मैग्नीफिकेशन का बेटा मेरे ख्याल से एक बढ़िया सा फॉर्मूला बन गया होगा और उसकी वैल्यू आ गई होगी एफ नॉट इंटू डी अपॉन बेटा जी एफ नॉट माइनस यू नॉट इंटू एफ। ये बेटा तेरा मैग्नीफिकेशन, ये बेटा तेरा मैग्नीफिकेशन, बड़ा इतना मैग्नीफिकेशन, हल्का मैग्नीफिकेशन नेगेटिव भी आ रहा होगा बट बड़ा नेगेटिव साइन को सिर्फ और सिर्फ क्या अर्थ है कि वो उल्टा देख रहा है। ये बेटा अपना मैग्नीफिकेशन, अच्छी बात है बेटा। मैं आपसे पूछूं कि लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी, बेटा बताओ लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगी, तो आप लेंथ ऑफ ट्यूब बोलोगे सर दिस प्लस दिस, ये तो बेटा मैंने निकाल रखा है दैट इज वी नॉट प्लस बेटा ये तो एफ ही तय है प्लस एफ बेटा वी नॉट वैसे तो हम निकाल ही लेंगे फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो उसको लिख दो दैट इज एफ नॉट यू नॉट अपॉन बेटा जी यू नॉट माइनस एफ नॉट प्लस आपका एफ। चलिए बेटा ये लेंथ ऑफ ट्यूब, सिर्फ दो ही सवाल बनेंगे लेंथ ऑफ ट्यूब का और मैग्नीफिकेशन का, बेटा सिर्फ और सिर्फ दो ही सवाल बनेंगे, मैग्नीफिकेशन ये आ गया बेटा आपके पास, लेंथ ऑफ ट्यूब ये आ गया, दोनों ही मेरे वैसे मैं लिख देता हूँ कि यू कैन रिमेंबर इट बेटा, मैंने ये नहीं कहा कि यू शुड रिमेंबर इट बेटा, मैंने कहा है कि यू कैन रिमेंबर इट बेटा। मुझे तो बाकी लग रहा है कि बेटा लॉजिक है, पहले लेंस के लिए जो इमेज है अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, ऐसे काम चला लो, बढ़िया आंसर बेटा वैसे आ जाएंगे। चलिए बेटा मैं इसी मैग्नीफिकेशन के डेरिवेशन को एक स्टाइल से और करना चाहता हूँ बेटा, एक स्टाइल से और करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ बेटा हमारा आंसर आ गया है, हो सकता है कि बेटा आप लोगों ने याद भी करना स्टार्ट कर दिया हो, बट आई हैव सम अनदर वे टू टेल दिस, ठीक है, क्योंकि बेटा मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरा एम है ना आंसर निकालना तो बिल्कुल नहीं है, वरना बेटा मैं सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला ये है बेटा सवाल कर लेना, मेंस के सवाल तो हो ही जाएंगे, मेरा एम तो बेटा बातें सिखाना है, ठीक है, तो आई डोंट केयर कि बेटा है ना आंसर कितने जल्दी आता है क्या नहीं, तो तुम देखो यार है ना, मैं तो बेटा बात सिखा रहा हूँ यार, मेरे दिमाग में एक प्लान है कि मैग्नीफिकेशन को ऐसे लिख दूं कि इसने ऑब्जेक्ट को कितने टाइम्स किया है, तो उसके लिए तो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन टाइम्स, ये जो आई पीस है ये बेटा हमारे एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई इसका एंगुलर मैग्नीफिकेशन, भाई मान लो कि इसने ऑब्जेक्ट की हाइट कर दी है दुगनी, तो टू टाइम्स फिर बेटा ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, उसकी मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आना चाहिए। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन मेरे बच्चे बोलेंगे सर वी बाई यू, बेटा वी की वैल्यू है वी नॉट, यू की वैल्यू बेटा कितनी है माइनस यू नॉट, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीफिकेशन किसका आई पीस का, आई पीस का मैग्नीफिकेशन बेटा जी ऑब्जेक्ट है हमारी फोकल लेंथ पे और इमेज बना रहे हो इन्फिनिटी पे, आईज आपकी है मोस्ट रिलैक्स्ड, हेडिंग है नॉर्मल एडजस्टमेंट, बेटा पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं है लेकिन नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में मेरे बच्चे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद कर बैठे डी अपॉन एफ, बस एफ नहीं बेटा एफ ही, क्योंकि बेटा ये आई पीस है, आई पीस की फोकल लेंथ तो एफ ही, काम बन गया बेटा अपना, तो मेरे पास आ गया दैट इज माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ। वैसे बेटा ये फॉर्मूला अच्छा है, बढ़िया, कोई बुरी बात थोड़ी है, बट बेटा इस वी नॉट को वापस से रख दो, बेटा वी नॉट को वापस से रखा तो ऊपर तो आ गया बेटा एफ नॉट, और बेटा यू नॉट से यू नॉट कैंसिल, बेटा नीचे मेरे पास आ गया एफ नॉट माइनस यू नॉट टाइम्स मेरे बच्चे डी अपॉन एफ। ले बेटा ये तेरा मैग्नीफिकेशन है, तो बेटा यही मैग्नीफिकेशन बेटा तू पहले निकाल चुका था, यही मैग्नीफिकेशन बेटा वापस से निकाल लिया है, ये वाला मैग्नीफिकेशन पहली बार बेटा हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से निकाला, इस बार बेटा बेसिक से ना निकाल कर हमने कहा कि कुछ मैग्नीफिकेशन इसने किया कुछ मैग्नीफिकेशन इसने किया, नेट मैग्नीफिकेशन भी एम वन इंटू एम टू। आई होप बेटा समझ गए होंगे, इतना सारा बताने के बावजूद आखिर में ये कह रहा हूँ कि बेटा याद करने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, मैं आपको सवाल करके दिखा दूंगा कि बेटा ठीक है ना भी याद करो, लॉजिक्स याद रहें तो हमसे वैसे भी सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। फिर भी अगर मेरे बच्चे जिद करें कि सर फॉर्मूला बताओ याद करना है, तो सर कौन सा याद करूं, तो मैं फिर उस केस में कहूंगा
कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये याद रख कि मैग्निफिकेशन इज वी नॉट अपॉन यू नॉट इन टू डी अपॉन एफ ई, माइनस लगाना चाहो आपकी मर्जी है, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। और लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला याद कर, दिस प्लस दिस मतलब वी ओ प्लस एफ ई, बस याद रहना चाहिए बेटा ये वी ओ का अर्थ क्या है। बेटा वी ओ का अर्थ है इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई बेटा उसकी ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस। तो ये लॉजिक याद रहेगा तो सवाल तो अपन कर ही लेंगे। आई होप बेटा समझे होंगे। अपन बेटा आखिर में एक सवाल भी करेंगे, सवाल बेटा तुम कहोगे तो फॉर्मूला से कर देंगे, हालांकि फॉर्मूला बेटा मुझे याद तो रहता नहीं, तो अपन ऐसे भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट इज, ये बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो केस था बेटा जिसके अंदर हम लोगों ने फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनाई और उसको देखते हुए हमारी जो आईज हैं बेटा वो थोड़ी सी रिलैक्स थी। अब हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन भी देखते हैं इस केस में बेटा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन केस में आप जानते हो कि हमारी जो आंखें हैं बेटा वो थोड़ी स्ट्रेस में रहेंगे बेटा, थोड़ी सी स्ट्रेस में रहेंगे। कैसे बेटा स्ट्रेस में रहेंगे देखते हैं, क्या कहानी उसके पीछे की सारी देखते हैं बेटा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेटा अगला पोर्शन बेटा दैट इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। चलो बच्चों करते हैं। हाँ बेटा नेक्स्ट इज मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करते हैं बेटा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाले केस में बेटा आपके पास ये अपना ऑब्जेक्टिव लेंस बेटा, इसकी फोकल लेंथ बेटा मेरे पास एफ ओ, ये बेटा इस सेम प्रिंसिपल एक्सिस पर बेटा आई पीस बेटा थोड़ा सा बड़ा दिखाया करो, बड़ा दिखा, ठीक। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो कैपिटल एल है, अक्सर बेटा हमें निकालना पड़ सकता है कैपिटल एल को, निकाल लेंगे हमें कोई लोड नहीं बेटा। इस आई पीस के जस्ट इधर बेटा आई है, मैं आई दिखा नहीं रहा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेटा यहां कहीं रख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट की बेटा हाइट जो है वो h और बेटा ये डिस्टेंस मेरे पास है u नॉट, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखना है कि बेटा माइनस एफ नॉट से माइनस टू एफ नॉट के बीच में हो, तो बेटा इस कारण से इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी बेटा इमेज विल बी समथिंग लाइक दिस, और बेटा मैंने इस आईपीस की अपर्चर बड़ी क्यों रखी, इसीलिए कि ये जो रेज हैं ये बाहर ना निकल जाए। अगर बड़ा आईपीस इतना सा होता बट फिर तो बाहर निकल जाती रेज। ये बड़ा आपकी इमेज बनी है यहां पर बड़ा, दिस इज योर बी डैश बड़ा, दिस इज योर ए डैश, लेट्स बड़ा इट हाइड इज एच डैश। ये बड़ा कुछ दूरी पे है, कितनी दूरी पे है बड़ा, इस दूरी को हमने एक बार के लिए वी ओ लिख दिया बड़ा। ओ इसलिए बिकॉज दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस बेटा हम निकालना चाहे निकाल सकते हैं बेटा, मैं निकाली भी थी, मैं फिर से निकाल लेता हूँ। रेज आ रही है इस तरफ बेटा, ये साइड प्लस बेटा ये वाला साइड माइनस, वन बाई वी माइनस वन अपॉन यू, यू नहीं बेटा माइनस यू नॉट इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ नॉट, बेटा मेरे पास आ गया वन बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ नॉट माइनस वन अपॉन यू नॉट। बेटा वी नॉट की वैल्यू आ गई है एफ नॉट यू नॉट अपॉन बेटा यू नॉट माइनस एफ, ठीक है ना। याद हो अच्छी बात है, ना याद हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये आ गया मेरे पास v नॉट, इट इज बेटा बेसिकली u नॉट f नॉट बटे बेटा u नॉट माइनस f नॉट। सर अब क्या, अब बेटा मुझे है ना मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करनी है बेटा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करनी है तो इस केस में ये जो आई पीस है ये इमेज वहां बनाएगा जहां पर सबसे बड़ा नजर आए। बड़ा सबसे बड़ा कब नजर आता है आप बोलोगे सर, सबसे बड़ा नजर तब आता है जब फाइनल इमेज हमारी आंखों से बड़ा, हमारी आंखें बड़ा जस्ट इस आईपीस के पीछे, जब फाइनल इमेज हमारी आंखों से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन दूर हो। तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि ये रेज होंगी रिफ्रैक्ट होंगी बड़ा, रिफ्रैक्ट होंगी और इस तरह से बड़ा रिफ्रैक्ट होंगे कि फाइनल इमेज जो है बड़ा वो ऐसे कहीं बन जाएगी बेटा, दिस विल बी योर बी डबल डैश बेटा, दिस विल बी योर ए डबल डैश
और ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये आपकी डिस्टेंस आएगी कैपिटल डी। कैपिटल डी मतलब बेटा कितना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा आईपीस है ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना देगा ए डबल डैश बी डबल डैश पे, और ये यहां से कैपिटल डी डिस्टेंस पे होगा। और अगर हमारी बड़ा आंखें जस्ट इस आईपीएस के इस तरफ हुई तो हमें इमेज नजर आएगी ए डबल डैश बी डबल डैश पे, और ये इमेज सबसे बड़ी होगी। सर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और नजदीक ले आऊंगा तो सर इमेज थोड़ी सी और नजदीक आ जाएगी। सर और नजदीक आए तो और बड़ी दिखाई देगी, बड़ी तो दिखाई देगी लेकिन हमें साफ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बेटा इस टाइम पर हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे है, और उस पर बेटा वो साफ साफ दिखती है, उसके नजदीक आने पर वो साफ नहीं दिखती। सर ये डिस्टेंस कैसे निकालूं? बेटा ये डिस्टेंस निकालने लेंस मेकर फॉर्मूले से, रेज आ रही है इस तरफ, ये साइड प्लस और बेटा ये वाले साइड माइनस, इमेज का कोऑर्डिनेट पता है और ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट पता करना है और लेंस की फोकल लेंथ पता है, बड़े आराम से जाएगा बस। लेकिन आप ये बोलोगे सर करने की जरूरत नहीं है, हमने अब थोड़ी देर पहले किया ही था, सिंपल माइक्रोस्कोप वाले केस में नहीं याद आपको, मैं याद दिला देता हूँ। चलिए रेज आ रही बेटा इस तरफ, ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस, बेटा इस डिस्टेंस को एक बार के लिए एक्स मान लेता हूँ, मुझे लग रहा था आप लोगों को याद रहेगा, नहीं याद है कर लेते हैं। इस लेंस के लिए बेटा इमेज वहां पर है तो 1 बाई वी बेटा वी के वैल्यू बेटा डी, सॉरी बेटा डी नहीं माइनस डी, माइनस 1 अपॉन यू बेटा यू की वैल्यू माइनस एक्स, मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ बेटा, फोकल लेंथ आपका एफ ई बेटा, मेरे पास आ गया 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी बेटा, एक्स की वैल्यू आ गई है एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, सॉरी एफ ई एफ ई बेटा, मैंने आपको याद भी करा रखा था सिंपल माइक्रोस्कोप से बेटा ये वाला केस कि ये जो डिस्टेंस है कि बेटा तेरे पास ये एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी है, और इस टाइम बेटा हमारी आंखों पर जो एंगल सबस्टेंडेड है बेटा, ये आपका एंगल सबस्टेंडेड थीटा आएगा बेटा, कितना आएगा थीटा। अगेन बेटा इस मैग्निफिकेशन को बेटा हम बेसिक से भी निकाल सकते हैं और बेटा सीधे फॉर्मूले से निकालते हैं, अभी निकाल लेते हैं बेटा, अभी निकाल लेते हैं, कौन सा कोई बहुत बड़ा टास्क है, अभी निकाल लेते हैं। हाँ बेटा मैं आपसे पूछ बेटा मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन होगा बेटा, बोलना सीधा लिख दो बेटा m1 into m2, इसका तो बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है इसलिए mt लिख दिया बेटा। ये वाला जो आईपीस है तो बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहे जैसे अपना वो कौन था सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन m थीटा बेटा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज ऑफ कोर्स v बाई यू बेटा, v की वैल्यू u नॉट बेटा, u की वैल्यू माइनस u नॉट इंटू बेटा मैग्निफिकेशन इसका बेटा, भूले तो नहीं, इसका मैग्निफिकेशन उस केस में जब ऑब्जेक्ट एफ डी अपॉन एफ प्लस डी डिस्टेंस पे हो और इमेज डी डिस्टेंस पे हो। आई रियली होप कि आपको याद होगा कि मैग्निफिकेशन आया था हमारे पास 1 प्लस डी अपॉन एफ, तो ये बड़ा फॉर्मूला है दैट इज माइनस वी अपॉन यू नॉट बड़ा। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो दैट इज बड़ा यू नॉट कैंसिल एफ नॉट अपॉन बड़ा जी एफ नॉट माइनस यू नॉट इंटू बेटा 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये बेटा नेगेटिव आएगा, आप आंसर बेटा नेगेटिव हटाकर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपसे पूछ बेटा व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, बेटा दो ही तो सवाल होते हैं बेटा। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ट्यूब, तो आप बोलो सर लेंथ ऑफ ट्यूब विल बी दिस प्लस दिस, मैं तो ऐसे याद रखता हूँ वी नॉट प्लस, ये तो बेटा याद रहता ही है दैट इज एफ ई इंटू डी अपॉन बेटा एफ ई प्लस डी बेटा। फिर भी किसी को वी नॉट लिखना हो तो चलो लिख देते हैं बेटा, वी नॉट कितना था मेरे पास, वी नॉट था यू नॉट एफ नॉट अपॉन बेटा यू नॉट माइनस एफ नॉट प्लस 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 एफ ई इंटू डी एफ ई प्लस डी। कोई तुम में से कोई बहुत ही है ना फॉर्मूलों को लेके बहुत ही पजेसिव हो कि इस पर फॉर्मूले बताओ फॉर्मूले बताओ, तो मैंने लगभग लगभग सबके फॉर्मूले निकाल दिए यार, है ना। लेकिन जिस किसी बच्चे का ठीक है बेटा ऊपर का मतलब काम करता हो और कहे कि सर फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं, से मैं लॉजिक से काम चला लूँगा, तो बेटा लॉजिक से काम चलाओ आसान पड़ेगा, मतलब आसान मतलब ठीक है कम बातें याद करनी पड़ेंगी यार, है ना, तो बढ़िया रहेगा और क्या है ना, ज़्यादा बातें याद करने से थोड़ा सा ना दिमाग स्लो तो हो जाता है, ठीक है मर्जी बेटा आपकी। एक सवाल करें बड़ा, सवाल में दोनों केस देख लेंगे अपन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिनिमम मैग्निफिकेशन सब देख लेंगे अपन, है ना। तो बड़ा एक छोटा सा चिन्ना सा सवाल कर लेते हैं यार, सुनिए बेटा
बड़ा आप करना, ट्राई बड़ा आपको करना है। बड़ा सवाल ऐसे है कि आपके पास बड़ा कोई आई सॉरी ये तो बड़ा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की बड़ा फोकल लेंथ है 0.5 सेंटीमीटर। ये बड़ा तेरे पास आईपीस, ये बड़ा तेरे पास आईपीस, आईपीस की बड़ा फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। दोनों लेंसेस के बीच का जो सेपरेशन है, मतलब बड़ा जो लेंथ ऑफ ट्यूब है बड़ा, वो तेरे को 7 सेंटीमीटर्स गिवन है। बड़ा 7 सेंटीमीटर्स गिवन है। ऑब्जेक्ट बड़ा अपन ने ऐसे यहाँ के रख लिया, ठीक है। सवाल लिखिए बड़ा, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। बट ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस बतानी है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। बड़ा नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बड़ा वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। बड़ा नॉर्मल एडजस्टमेंट बोल दो या बड़ा ऐसे बोल दो कि आईज विल बी रिलैक्स्ड एंड समथिंग लाइक दैट। ऑल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन, बड़ा इस केस में मैग्निफिकेशन भी बताओ। चल बड़ा करते हैं, सबसे पहले बेटा इस ऑब्जेक्ट से बेटा रेज आएंगी ऐसे, रेज आएंगी ऐसे, फिर बेटा इमेज बनेगी ऐसे। बेटा अप टू द स्केल तो नहीं है लेकिन चलिए काम चल जाएगा अपना। हम चाहते हैं कि हमारी जो आंख है बेटा वो मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट में रहे, तो हमारी आंख की बेटा इस आईपीस के जस्ट इधर है। हमारी आंखें बड़ा मोस्ट रिलैक्स स्टेट में कब रहेंगी, तो आप लोग से तब रहेंगी जब आपकी आंखों पर जो रेज गिरे वो इन्फिनिटी से आए। इसका मतलब ये जो लेंस है ये इमेज बनाएगा बड़ा कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। ये इन्फिनिटी पर इमेज तब बनाएगा जब ये डिस्टेंस आपके पास किसके बराबर होगी बड़ा, 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो दिस डिस्टेंस शुड बी योर 5 सेंटीमीटर, वेरी वेल, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा टोटल डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर थी, तो बड़ा ये डिस्टेंस आपके पास 2 सेंटीमीटर आ गई। बड़ा डायग्राम थोड़ा ना अप टू द स्केल नहीं है लेकिन ठीक है, चल जाएगा काम। और मुझसे बड़ा आपने पूछा है कि बताओ कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, वेरी इजी। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है और इमेज की पोजीशन पता करनी है। बड़ा इससे आसान तो क्या होगा, आप कहोगे सर इस लेंस के लिए रेज आ रही है इस तरफ, तो ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस, 1/v इमेज का कोऑर्डिनेट बड़ा प्लस में 2, माइनस 1/u ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट। बड़ा ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है माइनस यू नॉट इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ। बड़ा फोकल लेंथ है 0.5। बड़ा मेरे पास आ गया 1/u0 इज इक्वल्स टू, बड़ा क्या लिखू बड़ा इसको, मैं 2 लिख दूँ बड़ा इसको, ठीक, माइनस हाफ। बड़ा 2 माइनस हाफ इज 3/2, तो बड़ा u की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हो गया 2/3 सेंटीमीटर। ये ले बड़ा, ओ सॉरी यू नॉट की बड़ा वैल्यू आ गई 2/3 सेंटीमीटर। सर आपने मुझसे इसमें मैग्निफिकेशन भी पूछा है, हाँ बड़ा ऑफ कोर्स पूछा है। सर फॉर्मूला लगा दें, हाँ बड़ा लगा सकते हो कोई इशू नहीं है, बट बड़ा मुझे तो फॉर्मूला इतना याद रहता नहीं है, तो बड़ा मैं तो बेसिक से करूँगा ना। मेरे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इसका मैग्निफिकेशन इंटू इसका मैग्निफिकेशन। इसका मैग्निफिकेशन तो बड़ा ट्रांसवर्स है, और बड़ा आई पीस का मैग्निफिकेशन ऑफ कोर्स एंगुलर है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज ऑफ कोर्स वी अपॉन यू। बड़ा वी की वैल्यू है 2 और यू की वैल्यू बड़ा 2/3। बड़ा वैसे माइनस 2/3 लिखना चाहिए, मल्टीप्लाइड विथ बड़ा आपका इसका मैग्निफिकेशन। बड़ा ये तो रिलैक्स्ड स्टेट वाला है, बड़ा इस केस में मेरे ख्याल से मेरे बच्चे याद रखते हैं डी अपॉन एफ ई। बड़ा डी कुछ नहीं बोल रखा तो 25 अपॉन एफ ई। बड़ा एफ ई इज 5, आई थिंक बड़ा 2 से 2 कैंसिल, बड़ा 5, बड़ा मेरे ख्याल से माइनस 15 आ गया होगा।
बट वैसे आंसर आप -15 भी कह सकते हो, 15 भी कह सकते हो। वैसे बट अगर आप ऑप्शन देखोगे तो बड़ा ऑप्शन आपका 15x लिखा होगा, तो बड़ा आप आंसर क्या देगा ना 15x। सर ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? माइनस का सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो बड़ा इमेज आपकी नीचे है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना, एक सवाल की प्रैक्टिस और कर लेते हैं बेटा, है ना? तुम बातें तो समझ ही रहे हो बेटा, तो चलो एक और कर लेते हैं। फाइंड बेटा वही डायग्राम है, मतलब एक्चुअल वैल्यूज बेटा वही है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। बड़ा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वाले केस के अंदर बड़ा बताइए सब डिस्टेंस कितनी कितनी होंगी। चलिए बेटा मैं वापस से बना लेता हूँ बेटा, आप भी चाहो तो डायग्राम बेटा वापस से बना सकते हो। और अगेन बेटा कुछ बातें अपन को याद है, बाकी हमें लॉजिक से याद है, लॉजिक से बड़ा सवाल कर लेंगे। बाकी बेटा मैंने आपको फॉर्मूले भी लिखा रखे हैं, फॉर्मूले लगाना चाहे बेटा फॉर्मूले लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये आपका ऑब्जेक्टिव, इसकी फोकल लेंथ बेटा शायद कितनी बेटा 0.5 दे रखी थी क्या? ठीक है बेटा, ये बेटा आपका आईपीस, आईपीस की बेटा फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है, इनके बीच का सेपरेशन बेटा 7 सेंटीमीटर दे रखा है सवाल के अंदर। बेटा सब कुछ वही है, बस बेटा अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज कर दिया अपन ने। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ ऑब्जेक्टिव लेंस से कि इस बार आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन नजर आए। करते हैं बेटा कोशिश, रेज आएंगी यू, उसके बाद बेटा रेज आएंगी यू, रेज आएंगी बेटा यू, इमेज बेटा बनेगी एस, दिस इज योर बी डैश बेटा, दिस इज योर ए डैश। अब मेरा है ना ऐसे कोई सवाल करने का कोई खास मन है नहीं। देखो मेरी आंख को बेटा इमेज सबसे बड़ी कब नजर आएगी? जब इमेज मेरी आईज के सबसे ज्यादा नजदीक होगी। नजदीक कब होगी? तो आप बोलो सर नजदीक तब होगी जब रेज यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद, रेज यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां कहीं मीट करें बेटा, यहां कहीं मीट करें और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये आपके डी इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। आप कहोगे इसका मतलब सर इस लेंस के लिए अब कहानी हो गई कि ये जो लेंस है इसके लिए ऑब्जेक्ट है आपका ए डैश बी डैश और इमेज बेटा आपकी ये कहीं है जो 25 सेंटीमीटर पे है। बिल्कुल सही बात बेटा। सर लेंस फॉर्मूला लगाऊं क्या? बेटा लगाना चाहो लगा सकते हो, अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि बेटा मैंने तुझे ये वाली डिस्टेंस याद भी करा रखी है। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखूं कि इमेज 25 सेंटीमीटर पे हो? या तो बेटा आपका लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो, ना लगाने का मन हो तो बेटा बोल देना कि सर ये डिस्टेंस आपने याद करा रखी है कि ये डिस्टेंस होगी एफ ई इन टू डी अपॉन एफ ई प्लस डी। बेटा ये फॉर्मूला बार बार आ चुका इसलिए याद हो चुका, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी था यहां भी है बेटा, तो दो बार तो आ चुका थोड़ा इसलिए याद ही हो गया। थोड़ा ये डिस्टेंस है मेरे पास बेटा बोलना, एफ ई है 5, डी है बेटा 25, डिवाइड बाय बेटा एफ ई प्लस डी बेटा दैट इज 30, तो बड़ा ये गया तो बड़ा दिस डिस्टेंस कम्स आउट बी 25/6। ये बड़ा डिस्टेंस आपके पास 25/6 सेंटीमीटर है। अगर ये डिस्टेंस 25/6 सेंटीमीटर है तो आखिर ये डिस्टेंस कितनी है? तो आप बोलोगे सर दैट इज 7 - 25/6। फिर ना बेटा दिस डिस्टेंस इज 7 - 25/6 बेटा 7 42। हाँ बेटा कितना 17/6 आ गया बेटा, बेटा कितना आ गया 17/6। इसका मतलब इस लेंस ने बेटा इमेज बनाई बेटा 17/6 सेंटीमीटर पे। इस ऑब्जेक्टिव ने अगर बेटा इमेज 17/6 सेंटीमीटर बनाई है तो पूछा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? तो आप बोलो सर वेरी इजी, इस बार हमारी इमेज की पोजीशन जो है वो पता है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करनी है। हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला इट सेज दैट कि इमेज बन रही है 17/6 पे, बड़ा बोलना 1/v बड़ा v की वैल्यू है 17/6 -1/u बड़ा u की वैल्यू है -u0 इज इक्वल्स टू 1/f0 बड़ा f0 इज 0.5 बड़ा मेरे पास आ गया है 1/u0 इज इक्वल्स टू बड़ा कितना ये तो 2 -6/17
टू माइनस बेटा 6/17 बेटा बोलना कितना आगे आ रही है, 17 तो बेटा नीचे आ गया, 34 में से बेटा 6 गया तो बेटा कितना 28 बचा गया, बेटा देखना 34 में से बेटा 6, हाँ 28, तो बेटा यू नोट की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है, बेटा यू नोट की वैल्यू आ गई है, कितनी वैल्यू आ गई बेटा 17/28 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा आप ऑब्जेक्ट को जो है ना वो यहाँ कहीं रख दो, बेटा कहाँ से रख दो 17/28 सेंटीमीटर्स पर रख दो, बढ़िया बेटा। और लॉजिक से निकाला अपन ने, ऐसे नहीं कि बेटा कुछ भी बोल दिया ना, ठीक है कि बेटा ये फॉर्मूला है लगा दे, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए, हर बार बेटा लॉजिक कि भाई इसके लिए जो इमेज बेटा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह, बेटा पूरी कहानी की अपन ने। हाँ बस ये जरूर मेरे को याद था तो लगा दिया, आपको नया आता बेटा कोई इशू नहीं तब भी हो जाएगा। बेटा मैग्नीफिकेशन और पूछा है, पहले ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, तो वी बाई यू, वी है 17/6, यू है -17/28। एंगुलर मैग्नीफिकेशन, बेटा इस केस में जब आपकी आई सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड होती है उस केस में आपको जो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करने वाला जो आई पीस है इसके मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होगा 1+D/FE। एफ बेटा कितना है 5, याद तो बेटा इस तरह से यार 17 से बेटा 17 कैंसिल, बेटा दैट कम्स आउट वे -28/16, सॉरी बेटा 16 नहीं 6 है, 6 ही है ना, हाँ 6 ही है, -28/6 इनटू बेटा जी कितना ये तो बेटा कितना 6 ही आ गया, बेटा 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बेटा मैग्नीफिकेशन आ गया -28। माइनस क्या होता है आप जानते हो बेटा, ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे, बट बाकी आपका आंसर 28x भी लिखा हुआ हो सकता है ऑप्शन में, अगर 28x लिखा हो तो 28x को टिक लगा देना, बड़ा समझ गए फॉर्मूले बेटा मैंने कराए दिए थे, और मैंने बेटा दोनों सवाल इस तरह से कराने की कोशिश की है कि आपको ऐसा लगे कि ना फॉर्मूले ना भी याद हो तब भी मेरा जो 1/V-1/U=1/F है उससे मेरा काम चल जाएगा। हाँ ये भी याद रख लो 1+D/FE एंड बेटा D/FE थोड़ा और थोड़ा आसान पड़ जाएगा, ठीक है काम चल जाएगा।